हेलो फ्रेंड, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज है भागवत का दूसरा दिन, तो चलिए चलते हैं भागवत की ओर। सीताराम 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 छिपाए उसकी लेंगे कर्म छिपाए। भारतीयों का नव वर्ष तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को बोल दो ना। मां शाब्द युग कल्पेशु गतागम्मे सुने कथा नवदती है, इसलिए कह देता हूं हम प्रतिकूलताओं से अनुकूलताओं की ओर बढ़ रहे हैं। प्रकृति हमें अनुकूलता प्रदान कर रही है, परमात्मा श्री राम बोल दो ना अपने पावन जन्मभूमि कुपुत्रेण हतम यसा। कुपुत्र से कुल नष्ट होता है, कुपुत्र से एण हतम यसा, कुपुत्र यश को नष्ट करता है। वित्त तो जीवन में आता है और इसलिए शास्त्र कहते व्रतम यतनेन संरक्षेत वित्तम मेति यातिचा। वित्त तो आता है जाता है, आने जाने वाला ये वित्त है, किंतु वृत्ति न बिगड़ जाए दोबारा भी प्राप्त हो सकेगा, दोबारा भी धन प्राप्त हो सकेगा। पर संस्कार नष्ट हो गए, संस्कृति नष्ट हो गई तो बहुत कठिन है। कुपुत्रेण चामुत्रम। बात बड़ी भक्ति है लेकिन समाज में होता क्या है, लेकिन मूत्र तो त्याग करने वाले कुपुत्र नहीं त्याग पाते हैं। निरय दुख यातना, यही उनके दुख और यातना का कारण बन जाते हैं। इसलिए कुपुत्र को तो जैसे मूत्र त्याग देते हैं, ऐसे कुपुत्र भी त्याग देना चाहिए, कुपुत्र भी। पर यही मोह है, यही ममता है, मोह और ममता के कारण कुपुत्र को त्याग नहीं पाते, वही दुख और यातना देने वाला बन जाया करता है। इसलिए दुख और यातना से बचना है तो कभी न कभी तो प्रकृति आचार के संग कागज पूजे
कागज पूजे संगत बड़ी ये बड़ भूजे संगत बड़ी ये बड़ भूजे अक्षर के संग कागज पूजे अक्षर के संग का... बोल दो ना सत्संग कीजिए कुसंग से सुसंग और सत्संग की ओर बढ़िएगा। स्वात्मोत्थान की पांच क्योंकि भक्ति का अर्थ सेवा है। कायेन काया के द्वारा शरीर के द्वारा मनसा मन के द्वारा वाचा वाणी के द्वारा कायेन मनसा वाचा भजनीय स्तुष्ट हेतु मानस में भी गोस्वामी जी स्मरण कर लो मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई कायेन काया के द्वारा काया के जो कार्य हैं शास्त्रों ने उन्हें वाचा शारीरम त्रिविधम स्मृतम शरीर के तीन कार्य मना किए गए। बोल दो चोरी नहीं करना मुपादानं हिंसा नहीं करना हिंसा चैव विधंता परदार पराया पुरुष और पराई स्त्री का संग नहीं करना अर्थात दुराचार नहीं करना यही शरीर के तीन कार्य मना किए हैं। चोरी हिंसा दुराचार लेकिन इसमें अवसर दिया है राष्ट्र की रक्षा के लिए धर्म की रक्षा के लिए हमने यही सीखा हमारे महापुरुषों ने भी यही सिखाया दयाम सर्वभूतेषु सचराचर प्राणियों पर दया करना दया करना। बोल दो तो उन्होंने ये भी समझाया जो दया का पात्र है उस पर दया करना और जो दंड का पात्र है उसको दंडित करना। बोलो दया करना कि दंडित करना। दोबारा बोल दो उसको दंडित करना। इसलिए पहले हम इन सारी परंपराओं से बढ़ते बढ़ते इस दंड परंपरा में पद्धति में पहुंचा कि जब जहां दया की जरूरत हो वहां दया करना और जहां दंडित करने की जरूरत हो इसलिए दंडित करने की भी विधा शास्त्र ने दी हुई दयाम सर्वभूतेषु। हम मानते हैं हमारी पद्धति है हमारे महापुरुषों ने यही जो हमारी माँ को चाटा दिखाना चाहे तो उसको चाटा देख के शांत रहने की जरूरत नहीं उसका चाटा देखते उसके चाटा दे देने की जरूरत है। बोल दो भक्ति विख्यात है भक्ति प्रसिद्ध है भक्ति के अतिरिक्त मुक्ति का कोई दूसरा सरल उपाय है ही नहीं। नान्या सदा सा धनमास्ति किंत
वाह, सेवा करो, बोल दो क्या करो, सेवा करो, उपकार करो। मंदिर माति नादी करो हरे, मंदिर माति नादी चकार अचूत सा कथो दे। हाथों से सेवा करो, उपकार करो, मंदिर में जाओ तो आप लोग अर्चना तो करते, पूजा तो करते, लेकिन सफाई बोलो लोके भक्ति भवती नैष्ट की। रोज रोज क्या करो, तो इसलिए हमारे महापुरुषों ने भी उपाय दिया, बड़े सवेरे उठ कर मुंह को शुद्ध जल से धोना है। पुनीतता प्राप्त करने के स्वाध्याय करो, अध्याय की ओर, बोल दो संयम की ओर।
शरीर का पहला कोष जो है वो अन्नमय कोष है। क्या नाम है उसका? आहार साक फल कंदा। तो आज की भागवत हमारी यहीं पे समाप्त होती है और दिखाती हूँ कल का अध्याय तीसरा दिन कैसा होता है। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। थैंक यू।